हेलो एवरी वन वेलकम टू द लार अकेडमी सो एज़ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर सेवन बर्थ सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज पार्ट सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर हेयर द नर्सेज वॉइस वॉज हियर इससे पहले चैप्टर जो था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर नेम इज़ बर्थ ठीक है सो जो डॉक्टर जो है एंड्रू मैंशन है एनड्रू है वहाँ पर वो यहाँ पर घर पर आए हुए हैं फॉर द डिलीवरी मिसिज मोर्गन की यहाँ पर डिलीवरी होने वाली है और आफ्टर हर मैरिज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स बीस साल के बाद उनकी ये उनको बेबी होने वाला है सो so, वो अभी वेट कर रहे हैं बैठकर मतलब अभी जो लेबर पेन है वो इतने अच्छे से स्टार्ट नहीं हुए हैं डिलीवरी टाइम नज़दीक नहीं आया है सो टिल दैट टाइम डॉक्टर जो है ही इज़ वेटिंग एंड ही वो सिटिंग इन इन फ्रंट ऑफ द चिमनी चिमनी के सामने वो अंगीठी के सामने बैठा हुआ है एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड द मैरिज़ कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी मैरिजिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है तो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर द मैरिज वो भी यही बन जाता है कि मैरिज जो होती हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं या सक्सेसफुल नहीं होते हैं फिर बात चल रही थी अनेस्थीटिया के बारे में कि उसकी मदर कहती है कि भाई हमें अनेस्थेसिया नहीं देना चाहिए उसको बेवसी का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए मे बी इट कैन हार्म हर एंड द बेबी लेकिन डॉक्टर uh, जो कहता है कि नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनेस्थेसिया से हेयर द नर्स वॉइस वॉज हियर फ्रॉम कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग अब नर्स की आवाज़ आती है टॉप लैंडिंग मीन्स कहाँ है ऊपर से आवाज़ आती है नर्स की एंड्रियो ग्लैंड एट द क्लॉक विच नाउ शोड ऑफ पास्ट थ्री और जैसे ही उसकी आवाज़ आती है सुनकर वो वॉच की तरफ देखता है क्लॉक की तरफ देखता है जो कि अभी पास्ट थ्री टाइम दिखा रहे हैं यानी कि नीयर अबाउट थ्री एंड हाफ टाइम हो चुका है साढ़े तीन साढ़े तीन बज चुके हैं ही रोज़ एंड वेंट अप टू द बेडरूम वो खड़ा होता है और बेडरूम जाता है ही परसीव दैट ही माइ नाउ बिगिन हीज वर्क और अब ये सोचता है कि शायद अब उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए मीन्स फॉर द सर्ज फॉर द डिलीवरी ही शुड स्टार्ट हिज वर्क एंड आर इलेप्सड और इस तरीके से एक घंटा निकल जाता है इट वॉज़ लॉन्ग हार्स स्ट्रगल काफ़ी स्ट्रगल है मीन्स जो लेबर पेन जो है वो काफ़ी चल रहे हैं देन एज द फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डोन स्ट्रेड पास द ब्रोकन एजेज ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफ और उसके बाद एक घंटा स्ट्रगल करने के बाद मिसिज मॉरविन के एक बच्चे की झलक दिखाई देती है यानी कि जो बच्चा जो है वो पैदा होता है लेकिन ही द चाइल्ड वॉज लाइफ जब वो पैदा होता है तो उसमें जान नहीं होती है एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म ऑफ ए शिविर ऑफ हॉर पास्ट ओवर एंड्रू और जैसे ही वो उस बेबी की तरफ देखता है तो जो एंड्रयू मैंशन जो है यानी कि जो डॉक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड क्यों डर जाता है बिकॉज ही हैड प्रोमस्ड हिज फेस हीटेड विद हीज़ ओन एक्जर्शन्स चाइल्ड चिल्ड सडनली उसका फेस खुद का भी क्या होता है भाई एकदम से एक्जर्शन थकान और अचानक से उसका फेस जो है एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो हीटेड सफ़ील होता है उसे एंड एग्जिशन जो थकान जो थी उसकी वजह से ऐसा फील होता है और वो बहुत अपसेट हो जाता है ही He हेज़िटेटेड फिर वो हेज़िटेट करता है टोन बिटवीन हीज डिज़ायर टू रेस्क्यू सीट द चाइल्ड एंड हीज़ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर हु वॉज हर सेल्फ़ इन ए डेस्परेट स्टेट नाउ डॉक्टर इज़ इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि एक तरफ तो बच्चा है और एक तरफ उसकी मदर है नाउ ही ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसे भाई उसकी जो डिज़ायर थी यानी कि उसकी खुद की इच्छा थी कि भाई वो सब कुछ ठीक करेगा ठीक है तो उस डिज़ायर की वजह से वो उस बच्चे को रेस्क्यू करें और हिज ऑब्लिगेशन या फिर जो उसकी मॉरल ड्यूटी है टूवर्ड्स तो द मदर उसकी मदर की तरफ मिसिज मॉर्गन की तरफ कि भाई वो उसको जो शी इज़ ऑल्सो इन ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन उसको सेव करे उसको बचाए द डायलमा वॉज सो अर्जेंट ही डिन नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली कि ये जो डायलमा था मीन्स ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी में, कि वो उन दोनों सिचुएशन में से वो कौन सी चूज करें वो समझ ही नहीं पाता है कॉन्शियसली इतनी जल्दी उसको नहीं क्लियर कर पाता है कि भाई उसे क्या करना चाहिए ब्लाइंटली इंस्टिंगटिवली ही गिव द चाइल्ड टू द नर्स और फिर वो मतलब बिना कुछ सोचे समझे ही बच्चे को नर्स को दे देता है एंड turned his attention to Sushant Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the either upon her side. और वो baby को nurse को देने के बाद Mrs. Morgan की तरफ जाता है जो कि she was also collapsed means कि वो भी बिल्कुल थकी हुई थी labor pain की वजह से और means near about to unconscious होने वाली थी वो भी और पर्सलेस इनका मतलब यही कि वो अनकॉन्शियस होने वाली थी हिज हेस्ट वॉज डेस्पिरेट ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ इट टुक हिम ओनली an इंस्टांट टू स्मैश ए ग्लास ampule एंड इंजेक्ट द मेडिशन और मतलब भी उसकी जो सिचुएशन थी डेट वॉज वेरी क्रिटिकल सो इन दैट सिचुएशन वट ही डू? वो इंजेक्शन एक मेडिसन उसको दवाई देता है जल्दी से एक ग्लास को जो इंजेक्शन की जो बोटल होती है उसको फोड़ कर वो इंजेक्शन मेडिसिन भरता है उसके अंदर देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडमिकरिनज एंड वर्क अनस्प्रेंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन और वो सीरी जो सीरंज जो थी यानी कि जो वो उसने जो इंजेक्शन जो देना था उसको भरने के बाद वो उस वुमेन की तरफ दो दैट सी वो इन अरी अनकॉन्शियस कंडीशन उसकी तरफ जाता है और पूरी कोशिश करता है उसको बचाने की आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद कि कुछ देर तक वो बहुत एफर्ट करता है हर ए हार्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन मतलब बहुत कड़ी मेहनत के बाद उसको बचाने की उसके एफ़र्ट्स के बाद जो वुमेन का जो हार्ट है वो स्ट्रेंथ मिलती है उसको मतलब वो थोड़ा सा वो स्टेबल कंडीशन में आ जाती है मिसेज मॉन्डन ही सो दैट ही माइक सेफली लिव हर और अब वो क्या देखता है कि अब वो उसको सेफली छोड़ सकता है मीन्स कि नाउ ही कैन पे ऑल हीज अटेंशन टू द बेबी ही स्वंग राउंड इन हीज शर्ट स्लीव्स हीज हेयर स्टिकिंग टू हीज डैम्प ब्रो और वो जल्दी से बच्चे की तरफ भागता है उसकी शर्ट की जो स्लीव्स थी दैट वॉज फोल्डेड एंड उसके जो बाल थे वो भीग चुके थे और उसके बाल जो थे आईब्रोज तक डैम्प मीन्स होता है कि पसीने से भीगे हुए थे और चिपके हुए थे आईब्रोज के साथ मीन्स वॉज हैविंग ल लॉन्ग हेयर वेयर इज द चाइल्ड फिर उससे पूछता है कि बच्चा कहाँ है द मिड वाइफ फ्राइटेंट जेस्टर फिर जो मिड वाइफ का जो जेस्टर जो था मीन्स कि जो उसके एक्सप्रेशन जो थी देर फ्राइटेंड थोड़े से डरावने थे शी हैड प्लेस्ड स्ट इट बनीथ द बैड कि भाई वो उसको कहाँ रख चुकी थी उसको बेड के नीचे वो रख चुकी थी उस बच्चे को इन ए फ्लैश एंड्रू नेल्ट डाउन सुबड़ी जल्दी से एंड्रू जो है वो नीचे झुकता है फिशिंग अमंगेस्ट द सोडन न्यूज पेपर्स बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड और उसने जो नर्स जो थी उसने क्या किया था भाई दाई ने कि बच्चे को न्यूज़पेपर्स के ऊपर रखकर उसको बेड के नीचे सरका दिया था क्यों बिकॉज ही वॉज लाइफलेस तो वो जल्दी से उन न्यूज़पेपर्स को पकड़ के उस बच्चे को बाहर खींचता है ए बॉय परफेक्टली फोम्ड मतलब पूरा परफेक्ट बच्चा था वो द लिम्प वोम बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो टेलो मीट्स क्या होता है द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टिन एंड यूज टू मेक सोप एंड कैंडल्स ये होता है टेलो का मतलब कि भाई जो एनिमल्स का जो हार्ड फैट होता है जिससे हम सोप और कैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं तो बच्चे की जो लिम्फ यानी कि जो बॉडी की मतलब उसकी बॉडी जो थी वो कम्प्लीटली डेवलप्ड थी द कोड जो एनल कोड होती है मतलब जिसको वो हिंदी में कहते हैं हम औरनाल कहते हैं इसको हेसली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टैम्प और वो जैसे कोई टूट पेड़ की टूटी हुई टहनी पड़ी हो इस तरीके से वो पड़ी हुई थी द स्किन वॉज ऑफ ए लवली लेक टेक्स्चर स्मूथ एंड टेंडर बच्चे की स्किन कैसी होती है भाई बहुत स्मूथ होती है टेंडर सॉफ्ट होती है तो वैसे ही उसकी स्किन थी द हेड लोल्ड ऑन द थिन नैक और उसका सिर जो था वो उसकी गर्दन जो थी वो क्या थी पतली सी होती बच्चे की छोटी होती तो उसके ऊपर लोलमेंट होता है हिल रहा रहा था, था और मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था दिए दिए ही, ही होता है छोटे बच्चों की जो होती 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 हैं हैं वो बहुत इतनी नहीं के साथ साथ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती चले जाती हैं स्टिल नीलिंग एट द चाइल्ड विद द और अभी भी बच्चा जो एंड्रू मैं जो था he was still on his knees and he was staring to the child. The whiteness meant only one thing. बच्चे के ऊपर जो whiteness थी उसका मतलब सिर्फ एक था क्या एस या पेलीडिया पेलीडा पहले देखिए क्या होता है एस पीज या पेलीडा मीन्स नीचे मीनिंग दे रखा होगा येस ये डा सफोकेशन और अनकॉन्शियसनेस कंडीशन कि भाई ये जो बच्चे की जो वाइट हो गया है इसकी ये वजह क्या रही है जस्ट बिकॉज ऑफ़ द सफोकेशन या फिर अनकोशियस के ऐस की मीन मतलब बच्चे का अंदर ही शायद माँ के पेट के अंदर ही उसका दम घुट रहा था कोस्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी अच्छे से एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड अकम्पेर्ड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन वीक पल्स एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस कि उसकी नस जो पल्स जो थी वो भी कम थी एंड और ऐसा उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई अंदर इस वजह से उसका ऐसा हुआ एंड हीज़ माइंड अन नेचुरली टेंस रेस्ड बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन दिन टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज कि वेन ही वॉज़ यूज टू स्टडी जब वो पढ़ता था अपने मेडिकल कॉलेज में तब उसने एक ऐसा केस देखा था तो वो इसको देख कर उसको जल्दी से उस केस की याद आ जाती है उस सिचुएशन की याद आती है इंस्टेंटली ही वॉज़ ऑन हीज फिट और जल्दी से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर और जैसे वो खड़ा होता है तो जल्दी से बोलता है कि मुझे ठंडा और गर्म पानी ला कर दो जल्दी से ही थ्रू आउट टू द नर्स जल्दी से नर्स को बोलता है एंड बेसिंस टू मतलब जो वोशेशन होता है वो भी ला कर आइए क्विक क्विक जल्दी से बट डॉक्टर शीफ लेटर वो बोलती है हर आइज़ ऑन दैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड और वो डॉक्टर को कुछ बोलना चाहती है उसकी आँखें जो हैं उस पेल्ड जो व्हाइट हो चुका है बच्चा सफ़ेद पड़ चुका है उसकी तरफ है क्विक ही शाउटेड और वो उसको कुछ भी बोलने नहीं देता उससे पहले भी बोल देता है कि जल्दी करो स्नैचिंग ए ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगैन द स्पेशल मैथड ऑफ रेस्पिरेशन फिर वो एक ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचता है और उसके ऊपर बच्चे को लिटा देता है एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड मैथड ऑफ़ रेस्परेशन जो सांस देने का तरीका था एक नया उसके थ्रू वो उसको सांस देना शुरू करता है द बेसिन अराइड वॉश बेसिन आ जाता है उसके पास द यूअर एंड द बिग आयरन कैटल और साथ में ही वो एक बड़ी सी कैटल आती है उसके पास फ्रेंटिकली ही स्पलैश कोल्ड वाटर इन टू वन बेसिन और वो जल्दी से एक बेसिन के अंदर ठंडा पानी डाल देता है इन टू द अदर ही मिक्सड वाटर एज होट एज हिज हैंड कुड बियर और दूसरे बेसिन के अंदर बर्तन के अंदर वो क्या करता है हॉट वाटर डालता है इतना हॉट वाटर कि उसका हाथ उसको उस वाटर की जो गर्माहट थी जो हीट थी उसको सहन कर सके मीन्स लाइक like जितना हम पानी अपनी बॉडी के ऊपर डाल सकें गर्म देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हर रिड द चा बिटवीन द टू जगलर मीन्स क्या होता है कि मतलब जैसे कोई एक तरीके से जैसे जादू करने वाला होता है कोई मदारी होता है वो उसकी तरह वो बच्चे को क्या करता है उन दोनों के बीच में नाओ प्लंगिंग इट इंटू द आईसी नाव इंटू द स्टीमिंग बाथ कि जल्दी से एक बार तो उसको ठंडे पानी के अंदर डालता है और दूसरी एक बार उसको उस स्टीम बाथ के अंदर डालता है फिफ्टीन मिनट्स फास्ट और इस तरीके से पंद्रह मिनट निकल जाती स्वीट वॉज नाउ रनिंग इन टू आई स्वेट मीन्स होता है स्वेट मीन्स पसीना अब उसकी आँखों के अंदर से मतलब पसीना बह रहा था उसके मतलब फेस पर पूरा पसीना ही पसीना था ब्लाइंडिंग हिम और उसकी आँखों में भी वो पसीने जा रहे थे तो इसकी वजह से वो ही वॉज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपरली वन ऑफ हीज स्वीव हंग डाउन उसकी एक बाजू नीचे गिर जाती है ड्रिपिंग हिज ब्रैथ केम पेंटिंगली और मीन्स पेंटिंगली मीन्स होते हैं हाफना उसके सांस चढ़ जाते हैं मतलब वो हाफना शुरू हो जाता है बट नो ब्रैथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड लेकिन उस बच्चे की बॉडी से कोई भी सांस नहीं आती है ए डेस्पिरेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हीम और नाव एट दट मोमेंट ही वॉज फीलिंग डिफीट वो अपने आप को डिफिटेड फील करता है हारा हुआ फील करता है ए रेजिंग हॉपलेसनेस बड़ा ही उदास हो जाता है ही फेल्ड द मिड वाइफ वॉचिंग हिम इन शॉर्क कंसनट्रेशन वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल टाइम रिमेन्ड और वो क्या देखता है कि जो मिडवाइफ जो थी यानी कि जो दाइज जो थी वो जो अभी तक जिस पोजीशन में थी जिस जगह पर थी यानी कि वो दीवार के साथ कमर लगाकर खड़ी थी वो वहीं पर खड़ी खड़ी ही डॉक्टर को देख रही है कि भाई क्या कुछ हो रहा है हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट उसके हाथ कहाँ हैं टू हर थ्रोट उसके गले तक है अट्रिंक सो नो साउंड और मीन्स शी वॉज नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड हर हाईज़ बर्निंग अपॉन हिम और उसकी आँखों उसकी आँखें यानी कि उसकी नज़र जो है वो डॉक्टर के ऊपर है वो इज़ द ओल्ड वुमेन शी वॉज इन ओल्ड वुमेन जो दाइजो थी वो काफ़ी ओल्ड थी ही रिमेम्बर हर लॉजिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड उसको याद है कि भी उस औरत की जो इच्छा थी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने की एज ग्रेट हैज़ हैड बीन हर डोटर्स लॉन्ज फॉर दिस चाइल्ड मतलब इतनी ही उसकी इच्छा थी जितनी है. एक मदर की थी यानी कि उसकी डॉटर की थी कि अपने बच्चे को देखने की इतनी ही ज़्यादा वो अपने ग्रैंडचाइल्ड को देखना चाहती थी ओल्ड डेस्ट अवीना फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी अब सब कुछ क्या लग रहा था भाई सब कुछ जैसे सबकी इच्छाएँ एक तरीके से बह गई हों खत्म हो गई हों क्यों बिकॉज देर वॉज नो रेमेडी वो बच्चे को ठीक नहीं कर पा रही थी द फ्लू वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस और फर्श पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हो मैस सब कुछ चारों तरफ मैसी मैस mess हो जाता है stumbling over a sopping towel andrew almost dropped the child which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish ab lagbhag matlab bhi uske doctor andrew ke jo hands the wo bilkul slippery हो जाते हैं तो एक बार वो जो बच्चा था जो था उसके हाथ से बिल्कुल ड्रॉप होने वाला था ऑलमोस्ट गिरने वाला था फोर मर्सेज एक डॉक्टर विम्पर द मिडवाइफ इट्स स्टिल बॉर्न क्या कहते हैं कि भाई भगवान की दया से प्लीज़ थोड़ी सी दया रखो इस पर यह बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है एंड्रू डिड नॉट हीड हर बीटन डैस्पीरिंग हैविंग लेबर इन वेन फॉर हैफ एन आवर ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट और एंड्रू जो है उसको तरफ कोई ध्यान नहीं लेता है डिड नॉट पे एनी अटेंशन टुवार्ड्स द मिडवाइफ़ सेंग और वो उसको बीटना जैसे जब बेबी का बर्थ होता है बच्चे का बर्थ होता है तो अगर वो सांस वगैरह नहीं ले पा रहा हो तो उसकी कमर को रब किया जाता है या फिर उसको कमर पर थोड़ा सा टैप यानी कि उसको पीटा जाता है जैसे एज यू हैव सीन इन थ्री एडियट ऑल्सो मूवी में आपने देखा होगा वो सीन तो वो सीन वही करता है उसकी कम, कम बैक को रब करता है उसके पीछे से थप्पड़ मारता है ही स्टिल और वो आपका जो लास्ट एफर्ट्स था मतलब तो वो एक लास्ट कोशिश वो करना चाहता है रबिंग द चाइल्ड विद द रफ टाउल सो वट ही डिड ना वो बच्चे को एक रफ टाउल के साथ एक खराब से तोलिए के साथ उसकी रब करता है उसको क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड्स और उसकी चेस्ट को भी क्रश में मतलब तो जैसे कुचलना एक तरीके से और उसकी चेस्ट को भी अच्छे से रब करता है उसको दबाता है दोनों हाथों से ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू दैट लिम्प बॉडी कोशिश करता है कि उस शरीर में एक बार फिर से वो सांस डाल सके उसमें सांस लेकर आ सके मीन्स वो पूरी कोशिश करता है अपनी टू get back the child into senses and then as by a miracle the pygmy chest with his hands enclosed gave a short convulsive heave another and another and andrew turned giddy aur bhai uske jo efforts jo the wo success हो जाते हैं successful हो जाते हैं और उसकी छोटी सी chest में एकदम से सांस आता है एकदम से वो धड़कता है और फिर एक बार फिर से फिर एक बार फिर से और एंड्रू जो था ही बिकेम हैप्पी द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बिनीथ हिज फिंगर्स अब उसकी उंगलियों के नीचे क्या था ही वो ही कैन फील सेंस ऑफ लाइफ वो जिंदगी को महसूस कर सकता था उसकी धड़कनों को सुन महसूस कर सकता था बच्चे की आफ्टर ऑल दैट अनविलिंग स्ट्राइ स्ट्रीविंग वॉज सो एग्जीक्यूटिव इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट मतलब उसने इतने एफर्ट्स किए थे कि मतलब दैट ही वॉज़ अबाउट टू फेंट बेहोश होने वाला था ही रीडबल्ड हीज एफर्ट्स फ्यूवरसली अब वो उसकी जो एफर्ट्स थे जो वो कोशिश कर रहा था उनको फिर से दोगुना कर देता है उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है द चाइल्ड वॉज गैसपिंग नाउ डीपर एंड डीपर और अब बच्चा धीरे धीरे और ज़्यादा लंबे लंबे सांस ले रहा था ए बबल ऑफ म मकस केम फ्राम वन टीन ए जॉयफुल इरीडिसेंट बबल और उसकी नाकों से कुछ बुलबुलें निकलते हैं जो मतलब उसकी नाकों के अंदर कुछ कचरा वगैरह चला गया था उसके जो वो अपने पेट अपनी मदर के पेट में था तो वो निकलता है द लिम्स वन नो लॉन्गर बोनलेस अब उसकी बॉडी जो थी वो बोनलेस बिना हड्डियों की नहीं लग रही थी हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली और अब उसका हिर सिर जो अभी तक ऐसे हिल रहा था वो भी अब स्पाइन लेसरमेंट अब उसमें भी एक बैलेंस आ जाता है द बैलेंस्ड स्किन वो स्लोली टर्निंग पिंक उसकी जो स्किन जो थी जो व्हाइट हो चुकी थी वो धीरे धीरे पिंक होना स्टार्ट हो जाती है दैन एग्जीक्यूटली केम द चाइल्ड्स क्राई और फिर तभी बच्चा रोता है डियर फादर इन हैवन द नर्स सॉफ हिस्ट्रिकली इट्स कम इट्स कम अलाइव वह भगवान का धन्यवाद करती है नर्स कि बच्चा वापस आ गया मतलब वो जब जिंदा हो गया एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड और एंड्रयू जो है अब उस बच्चे को उसे दे देता है ही फेल्ट वीक एंड डेज ही वॉज फीलिंग वीक अबाउट हिम रूम हिम द रूम ले इन शडरिंग लीटर ब्लैंकेट्स टावर्स ब्रिशिन्स सोलिड हिपो दिपोडमिक्स सीरिंग इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोनियम द यूअर नॉट ओवर द कैटल ऑन इच्साइड्स इन पर्डल ऑफ वाटर और क्या कहते हैं कि रूम जो था वो टोटली मैश था कि कहीं पर ब्लैंकेट्स थे कहीं पर टावल था कहीं पर बर्तन रखे हुए थे कहीं पर इंस्ट्रूमेंट्स थे कहीं पर वो इंजेक्शन वगैरह थे मतलब जो जो सामान उसने यूज़ किया था वो सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था अपन द हडल्ड बैड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रो द अनस्थेटिक द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टोर अगेंस्ट द वॉल और उसकी भाई जो मदर जिसको एनेस्थेटिक दिया हुआ था शी वो स्टिल ड्रीम्ड मतलब अभी तक वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हुई थी और जो ओल्ड वमेन अभी दीवार के साथ खड़ी हुई थी वो अभी भी दीवार के साथ ही खड़ी थी बट हर हैंड्स वर टुगेदर अब उसके हाथ जो थे वो इकट्ठे थे मतलब जोड़े उसने अपने हाथ जोड़ रखे थे हर लिप्स मूव्स विदाउट साउंड शी वॉज स्प्रेइंग मतलब अब वो चुपचाप कुछ प्रे कर रही थी मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट हिज स्लीवस पोल्ड ऑन हिज जैकेट अब वो अपनी स्लीवस नीचे करता है और जैकेट पहन लेता है आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स कहते हैं कि मैं अपना बैग फिर ले जाऊँगा ही वैन डाउन स्टेयर्स थ्रो द किचन इन टू द स्क्री हिज लिप्स पुअर ड्राई और वो नीचे भाई किचन के थ्रू वो नीचे जाता है और उसके हॉट जो थे वो सूखे हुए थे एट द स्क्री ही टुक के लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर ही रिस्ड फॉर हीज हैट एंड कॉट और वहाँ पर जाकर नीचे जो उनका एरिया था वहाँ पर जाने के बाद वो पानी पीता है एंड अपनी हैट और कॉट उठाता है आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग द पेमेंट विद द टेंस एक्सपेंटेंट फेस और बाहर मिस्टर जो खड़े हुए थे जो कि ही वो जीना टेंशन में थे वो ऑल राइट right, जो ही सेट थिकली बट बोथ ऑल राइट और वो स्ट्रॉन्गली डॉक्टर मेंशन जो एंड्रो जो वो कहते हैं कि जो सब कुछ ठीक है दोनों ही ठीक है यानी कि बच्चा और मदर दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट नियरली फाइव ओ क्लॉक मतलब अब उजाला हो चुका था सुबह हो चुकी थी पाँच बज चुके थे ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट माइनर्स मीन्स कि जो काम में खान वगैरह में काम करते थे लोग वो ऑलरेडी स्ट्रीट्स में आ चुके थे मतलब दे आर गोइंग टू देअ वर्क the first of the night shift moving out as andrew walked with the arms pant and slow with his footfalls echoing with the other thunder of the the morning sky he kept thinking blindly, oblivious to all the other work he had done in blindly. i have done something oh god i have done something real at last or wofir the wapaz zara atatuskke kadmukhizatsoi orvi kadmukhia awa sunai retiemmatla logoni moment kana start kardiyata अपने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था एंड वेन ही वॉज गोइंग बैक सो एट दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग अबाउट द द वर्क ही हैड डन जो उसने काम किया उसके बारे में सोच रहा था और भगवान का धन्यवाद करता है भगवान को बोलता है कि फाइनली उसने कुछ रियल किया है कुछ मतलब कुछ मीनिंगफुल उसने अपनी लाइफ में काम किया है सो ही थैंक टू द गॉड सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म तो नेक्स्ट We will do the question answer of this chapter. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe, and stay learning.